क्लास आइए अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट सब्सटेंसेस दिए हैं और कहा गया है कि इन सब्सटेंसेस को प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स में कैटेगराइज कीजिए। ये सब्सटेंसेस हैं अमोनियम क्लोराइड, प्योर घी, प्योर हनी, वाटर एंड प्योर मिल्क। अब आप इस वीडियो को एक मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला सब्सटेंस है अमोनियम क्लोराइड। तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो केवल अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल से ही मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। सेकेंड सब्सटेंस है प्योर घी। तो स्टूडेंट्स, जो प्योर घी होता है वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, क्योंकि घी डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, जैसे फैट, मॉइस्चर एंड विटामिन। इसीलिए घी को हम एक मिक्सचर कहेंगे। थर्ड सब्सटेंस इज प्योर हनी। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर हनी भी एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि ये भी डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, शुगर एंड वाटर। इसलिए प्योर हनी भी एक मिक्सचर है। नेक्स्ट इज वाटर। तो स्टूडेंट्स, जो प्योर वाटर होता है वो भी केवल वाटर के मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना होता है, इसलिए प्योर वाटर एक प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट सब्सटेंस है प्योर मिल्क। प्योर मिल्क भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि प्योर मिल्क भी डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, जैसे कि कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट, शुगर और वाटर। इसलिए प्योर मिल्क भी एक मिक्सचर है। तो स्टूडेंट्स, अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं, और इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्योर देसी घी, प्योर हनी और प्योर मिल्क केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर सब्सटेंसेस नहीं है, ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के मिक्सचर्स हैं। क्लास, आपने इस टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उनकी समरी को यहां पर दिया गया है। जैसे हमने इस टॉपिक में जाना कि केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या थी और केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। हमने ये भी जाना कि मैटर की फिजिकल स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। इसके बाद हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। हमने इस टॉपिक में मैटर को क्लासिफाई किया, जैसे कि प्योर सब्सटेंस जो एलिमेंट और कंपाउंड हो सकते हैं, और मिक्सचर जो होमोजीनियस और हेटरोजीनियस हो सकते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है अवंती वर्कबुक के यहां पर मेंशन किए हुए क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10।